फ्रेंड्स, लॉकडाउन खुल गया है और मैं आया हूँ एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में। यहाँ आने के लिए मेट्रो स्टेशन रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास में 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल कार्तिक द रियल ब्लॉगर में। आज आप जैसे देख सकते हैं, मैं आया हुआ हूँ एडवेंचर आइलैंड, ये रोहिणी में स्थित है और बहुत ही मज़ेदार है। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। बाकी कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, बहुत सारे मेजरमेंट लेते हुए, आप अगर आप इधर आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ देखिए सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है। मैं आपको यहाँ सीढ़ियों पे आप चढ़ने पे कितनी कैलोरी बर्न करेंगे वो लिखा हुआ है। और इधर आप देख रहे हैं बर्गर किंग का भी है, पैसा वसूल, यहाँ पे पूरा मॉल है। अभी कोरोना के चलते सब कुछ बंद है। यहाँ पे वुडलैंड का शोरूम भी है, मेट्रो वॉक, मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड भी है यहाँ पे। यहाँ पे एंट्री फीस जो है पार्किंग बाइक की 30 रुपीज़, कार की 40 रुपीज़। यहाँ पे देखिए बर्गर किंग भी है, रिकी स्काई मिल्क, बर्गर किंग और बहुत कुछ है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ। ये एक एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट है। ये देखिए कितनी सुंदर लेक बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं और शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है। ये देखिए यहाँ पे ये सारी शॉप्स वगैरह जो हैं अभी बंद हैं। वो रहा सामने डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े सारे खिलौने हैं। देखिए बीच में इन्होंने ब्रिज पे एक छोटा सा आईफल टावर भी बना रखा है। रात को यहाँ पे लाइटिंग होती है। आफ्टर लॉकडाउन देखिए अभी ये खुल चुका है रनवे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एंट्रेंस है, उसकी टिकट ले लेते हैं हम। ये उसकी एंट्रेंस है उसके अंदर जाने के लिए। एडवेंचर आइलैंड टिकट्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, ऐसा आपको मिलेगा। ये 200 का होता है और ये 200 रुपये जो हैं ये आपके फूड बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए इधर रनवे 1। बाद आप देखेंगे बिल्कुल पानी के बीचों बीच एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा व्यू है। एक बार तो हर किसी को आना चाहिए। और अब हम इसकी अंदर एंट्रेंस करने जा रहे हैं। ये यहाँ पे नीचे बैठने का भी साधन दे रखा है, आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टायर के बने हुए चेयर मिलेंगे। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये मैं आ गया एंट्रेंस में। मेरे लेफ्ट साइड पे कॉकपिट है, यहाँ पे आप देखेंगे चार्जेस लगे हुए हैं 200 रुपीज़ पर टिकटिंग, फोटो सेल्फी का चार्ज है यहाँ पे। और ये पीछे आपका रेस्टोरेंट का व्यू, कितना अच्छा व्यू है गाइस। नीचे सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है और फुल्ली एयर कंडीशन है, वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ पे कोरोना की वजह से मास्क वगैरह का, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। चलिए और हेलो कर दीजिए। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद है भाई, यूसुफ। हाँ, बिजी रख रहे हैं आपको फोन पर। तो यहाँ का मेन्यू पहले दिखाते हैं। ये रहा मेन्यू। नाम सुन सकते भाई आप? देखिए बिल्कुल एरोप्लेन की
डिज़ाइन में इसका मेन्यू है, और जो 200 रुपए का आपका ये पास है ये आपके खाने के बिल में एडजस्ट हो जाएगा। गाइस वैसे तो यहाँ पे मैंने एक बर्गर और बॉटल पानी ऑर्डर किया है, बस आने ही वाला होगा, बाकी रिव्यू मैं आपको उसका खाने के बाद बताऊंगा। मगर हाँ ये है कि दिलचस्प जगह है, आना चाहिए। ये तीन भाई लोग हैं मेरे साथ, यही मिले हैं मेरे से। आपका नाम क्या है सर? आमिर। आपका? अमान। आपका? वाशिक। ये तीनों यही मिले हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है इनसे मिल के। और आपको खाना कैसा लगा यहाँ का? बढ़िया। कैसे पता चला आपको रनवे के बारे में? अरे पहले आ चुके हैं, अक्सर आते रहते हैं क्या आप? चलिए बहुत बढ़िया, सबको हेलो कर दीजिए जो जो आपको देख रहे हो। मैंने रिव्यू नहीं बताया, मैं बातों में थोड़ा लग गया था लोगों के साथ। तो यहाँ का ये बर्गर मैंने दिखाया है, इसकी मैंने क्लिक की थी फ़ोटो, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी मतलब टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब था। ये लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं कॉकपिट में, और अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। ये इसकी स्टेयर्स हैं, बिल्कुल यहाँ से भी आप पूरा व्यू देख सकते हैं। नीचे उतरते वक्त बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आयरन की स्टेयर्स हैं, तो कहीं आप बिल्कुल सावधानी से उतरिए। और ये वेटिंग एरिया है, आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे चेयर लगी हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर चेयर हैं। ये कई बार जो होता है ना, इधर रेस्टोरेंट में ऊपर जो ये बना हुआ है, इधर वेटिंग होती है, तो वेटिंग पीरियड में आप यहाँ नीचे आराम से बैठ सकते हैं, ये घूम सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं पानी के ऊपर, और यहाँ पे आप घूम सकते हैं और वेट कर सकते हैं। जब आपका टर्न आएगा तो आप जाके अंदर रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं। गाइस आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने खूब इंजॉय किया होगा। आप भी आएँ, फैमिली के साथ आएँ, आप यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप कोई भी इवेंट यहाँ पे सेलिब्रेट करना हो वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। फूड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, रिव्यूज़ मैं तो इसको 10 में 10 नंबर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ बहुत बढ़िया है। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।